प्यारे बच्चों जैसा ही आपकी सीरीज चल रही है तो उसी श्रृंखला में आज की जो हमारी सीरीज है वो पूर्व मध्यकाल है पूर्व मध्यकाल को हमने दो भागों में बांटा है अब दो भागों में बांटने के पीछे रीजन क्या है कि जो साउथ इंडिया वाला पोर्शन है वो थोड़ा अलग है और जो नॉर्थ इंडिया वाला अलग है इसमें जो क्वेश्चन लेने की कोशिश की गई है इसमें वो क्वेश्चन आएंगे जो मध्यकाल हमारा आमतौर पर हमारा जो भारत है, भारत है है का इतिहास उसको हम तो ऐसे बांटते हैं प्राचीन इतिहास और दूसरा हमारा मध्यकालीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास अब ये अंग्रेजों वाला जो है आपका आधुनिक स्टार्ट है तो यहां एक बात समझने की है कि जो मध्यकालीन और प्राचीन के बीच का काल है हमने उसे पूर्व मध्यकाल का नाम दे दिया है और ये जो पूर्व मध्यकाल है ये बेसिकली क्या है इसमें जो राजपूत पीरियड है राजपूत पीरियड जो है आठ सौ से लेकर बारह सौ से शताब्दी का माना जाता है यानी कि आठ शताब्दी से बारी हालांकि कहीं पर छठ सी छठी से बारी भी लिखा मिलता है तो ये इसमें पूरा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है तो इसमें राजपूतों के वंश जो उत्तर भारत में सभी काउंट करे गए सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं तो यहाँ पर चलिए शुरू करते है जो है। कभ कभ है? तो हैं जो इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तोमर वंश है चंदेल वंश है चालुक्य वंश है और जयजात भुक्ति के अलग अलग हैं बहुत सारे लोग हैं तो इसमें दिल्ली पर बहुत ज्यादा लड़ाई है इसमें पृथ्वीराज चौहान ये जयचंद इन सबका गोरी का सबका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे तो छठी शताब्दी से लेकर बारहवीं सदी तक का जो भारत का समय है राजपूत काल के नाम से माना गया है सात सौ बारह ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था देखो अब यहां एक बात समझने की है जो भारत है हमारा इस तरीके से लगभग तो यहां पर यह हमारा पाकिस्तान है यह अफगानिस्तान है तो ऐसे ही आपका इराक ईरान सऊदी अरब तो यहां से एक तरीके से जो आ, जो सिंध का जो राजा है दाहिर सिंध का राजा दाहिर है वो यहां पर तो यहां से मोहम्मद बिन कासिम से पहले उबेद और दो तीन लोग आते हैं अटैक करने जिन पर दाहिर जी ने हरा देता है लेकिन दाहिर को बाद में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा मार दिया जाता है ये सत्रह साल का लड़का है और ये हजाज के द्वारा आदेश पर यहाँ आता है और ये दाहिर को हरा देता है तो यहाँ पर दाहिर को हरा दिया जाता है सात सौ बारह बैटल ऑफ रूर पर और यहीं पर भारत में शुरुआत होती है पहली मस्जिद की और यहीं पर शुरुआत होती है जजिया की तो जजिया भी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया भारत पर और ये ये कौन था ये अरब का था तो फर्स्ट अरेबियन अटैक ऑफ मोहम्मद बिन कासिम इन सेवन ट्वेल्व में तो ये याद रखने के बातें हैं दाहिर को मार दिया जाता है और यहां पर अरब उस पर एक तरीके से उनकी शुरुआत हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम जजिया अब देखिए जजिया वाली जो बात आई है जब भारत को इस्लामिक बनाने की बात चलती है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं लगता तो ऐसा नहीं हो पाता तो फिर जो विद्वान जो मौलवी साहब हैं वो एक, एक नया तरीका लगाते हैं तो एक नया टैक्स लगाते हैं वो जजिया जजिया का मतलब है मुस्लिम ना होने का कर और उस समय के वैसे भी अगर आप याद रखेंगे तो चार कर हैं जजिया है, है जकत ये मुस्लिमों के द्वारा दिया जाता था और खुमस खराज ये सल्तनत में चलते हैं हालांकि खराज भूमि कर है खुम से लूट का माल है जकत मुस्लिम लोग अपने धर्म की उन्नति के लिए पैसा देते हैं और जजिया है आपका जो नॉन मुस्लिम है उनसे लिया जाना कि अगर आप मुस्लिम नहीं है तो फिर आप जजिया देंगे नेक्स्ट है तो जजिया किसने स्टार्ट किया मोहम्मद बिन कासिम ने दिल्ली का किसका पुराना नाम है दिल्ली का नाम दिल्ली का पुराना नाम है अब यहां याद रखने वाली बात है देखो पहला नाम क्या था दिल्ली का अब दिल्ली का से क्या नाम बिगड़ के हुआ इसका दिल्ली जैसे जैसे समय बदला उसका नाम भी चेंज हो गया और फिर जब अंग्रेज आए तो ये क्या नाम हो गया दिल्ली तो ये भी नाम चेंज होता गया दिल्ली का अब ये दिल्ली का है ये पुराना नाम दिल्ली का है पहली बार दिल्ली की स्थापना दिल्ली का के नाम से हुई है और ये राजा अनंगपाल तोमर के द्वारा जो तोमर वंश का राजा है उसने की है नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की तो पृथ्वीराज रासो जो है किताब वो चंद्रवरदाय के द्वारा लिखी गई है और इसमें पृथ्वीराज हीरो है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय या राय पर ये नहीं कहा जाता है जो गोरी के साथ बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन सेकंड हुआ था लेकिन ये एक तरीके से इनके भाट या कवि थे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहा स्थित है तो ये कहां पर स्थित है ये माउंट आबू पर स्थित है ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है ये एक तरीके जैन मंदिर है विमल वराही ने बनवाया था और तेजपाल ने इसका डिजाइन किया था खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया ये चंदेल शासक है जो ये एक तरीके से एमपीएम पड़ता है खजुराव विजय स्तंभ कहा स्थित है देखो भाई विजय स्तंभ कहा है चित्तौड़ में और ये चित्तौड़ में किसने बनवाया ये राणा कुंभा ने बनवाया राणा कुंभा और राणा कुंभा कौन है ये राणा कुंभा जो राणा परिवार के हैं काफी ताकतवर राजा हैं और इन्होंने महमूद खिलजी को हराया महमूद खिलजी को और ये कायम हराया ये सांग नेर का युद्ध था सांगनेर याद रखने वाली बात है सांगनेर के युद्ध में हराया हालांकि जो महमूद खिलजी है उसने हाँ भी अपने एक विजय का महमूद जी, हम जीते, हम जीते। तो गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया तो किए और ये अटैक कब किए देखिए नाइन नाइन एट में बना और एक हजार से लेकर एक हजार सत्ताईस किए और एक हजार तीस में ये मारा गया और इसका जो प्रसिद्ध अटैक है वो सोमनाथ के मंदिर पे है जो एक हजार पच्चीस छब्बीस में है ये सोमनाथ के मंदिर पे प्रसिद्ध अटैक है एक हजार पच्चीस छब्बीस में महमूद आंसर दे रखा देखिए एक हजार छब्बीस दे रखा है तो सोमनाथ के छब्बीस में हुआ था सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन राजा था ये भीमदेव फर्स्ट था और ये भाई साहब ऐसे राजा थे ये मंदिर छोड़ के भाग गए और कहने लगे भगवान अपनी रक्षा अपने आप कर लेगा यानी कि इनकम तो ये ले लें ले, और भगवान रक्षा कर लेगा भाग गए और गजनवी ने ये मंदिर लूट लिया वहां की जो जो मूर्तियां थी उनको तोड़वाकर रास्ते में डलवा दिया और ये मंदिर कई बार टूट चुका है कई बार इसका विध्वंस हो चुका है लेकिन आज भी ये शानदार तरीके से खड़ा है किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा अढ़ाई देखो भाई अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे गए हैं ये हरी केली नाटक के लिखे हुए अब हरी केली ने क्यूँ लिखा हरी केली संस्कृत में लिखा हुआ क्योंकि जब ये मंदिर था तब ये चीज लिखी गई थी बाद में यहाँ पर जब अलाउकबुद्दीन एबा आया तो कुछ लोग कहते हैं ढाई दिन में इसका भार से ढांचा बनाकर इसको मस्जिद बना दिया गया इसलिए इसका नाम अढ़ाई दिन पड़ा कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कि किसी संत के नाम पर किसी मौलवी साहब के नाम पर कोई वो, वो लगता है मेला लगता है तो उस पर ढाई बोला जाता है दोनों ही बातें पढ़ी जाती हैं रानी पद्मनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है तो रानी पद्मनी किसकी पत्नी थी ये राणा रतन सिंह की पत्नी थी ये किताब लिखी गई थी इनके ऊपर पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसीन ने लिखी है जो लगभग 300 साल के बाद अलाउद्दीन खिलजी के 300 साल के बाद लिखी गई थी, 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 थी सिरसा सूरी के टाइम में लिखी गई थी और ये किसने लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने पदमावत मलिक मोहम्मद ने लिखी थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की ये की धर्मपाल ने धर्मपाल पाल, पाल वंश का सबसे ताकतवर राजा था और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया मोहम्मद बिन कासिम ने किया सात सौ बारह में किया पहला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है तो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के संस्थापक कौन थे ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर बना है ब्लैक पैगौड़ा कहां पर है ये भी कोणार्क में है और ये कोणार्क ये सूर्य देव मंदिर जो है नहीं कहा जाता है अलवर की स्थापना किसने करी थी देखो भाई अपने नाम पर ऐसे अलवर ऐसे अजय ऐसे याद रख लीजिए जैसे अहमद शाह ने करी थी अहमदाबाद की ऐसी इसकी करी थी अलवर की अजय अजयपाल ने किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला तो देखो भाई एक तो कुमार पाल के और एक राजा जय सिंह जिन्हें सिद्धराज भी कहा जाता है इनके कार्यकाल में इनको संरक्षण मिला चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ और यह भी याद रखने की वाली बात है हुआ कब था ग्यारह सौ चौरानवे में

और ये वही शशांक है जिसने बौद्धिक वृक्ष को कटवाया था तो इसके मरने के बाद बंगाल में अव्यवस्था फैल जाती है तो वहां के जो बौद्धिक लोग हैं वो गोपाल को चुन देते हैं तो गोपाल एक तरीके से लोगों के द्वारा चुना गया था और ये गोपाल वंश का संस्थापक था फिर उसके बाद धर्मपाल इस वंश में सबसे ताकतवर राजा हुआ है किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापथ का स्वामी कहा उत्तरापथ मतलब नॉर्थ इंडिया ये धर्मपाल की बात करी जा रही है ये पाल वंश बंगाल में था वैसे हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाए भाग देखिए दो किताब है हिंदू विधि की एक तो दाए भाग और एक मिताक्षरा तो जो दाए भाग है साउथ इंडिया में चलती है जीमूत वहां ने लिखी है सारी हिंदू विधि से ली गई है एक तरीके से रामचरित की रचना किसने की है संधि का संध्या का नंदी ने अब देखो यहां याद रखने की बात ही अगर बात आएगी रामायण की रामायण तो ये लिखे हैं किसने वाल्मीकि ने वाल्मीकि ने अगर क्वेश्चन आएगा रामचरित्र मानस किसने लिखी है राम के चरित्र की बात चल रही है मानस ये गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है तुलसीदास और जो तीसरी किताब आई है ये जो यहां नाम लिखा गया राम खाली रामचरित्र ये संध्या का नंदी है तो ये याद रखने वाली बात है रामायण है तो वाल्मीकि रामचरित तो तुलसीदास और रामचरित खाली है तो संध्या का नंदी प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की है प्रतिहार ये प्रतिहार जो इस, जो वंश है गुजरात इसकी इसके संस्थापक थे वो हरिशन्द थे मीर भोज का पुत्र कौन था महेंद्रपाल ये मीर भोज वही है गुजर प्रतिहार इनका पुत्र कौन था महेंद्रपाल काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की गर, नामक ग्रंथ किसने लिखा है तो ये राजशेखर ने लिखा बहुत इंपॉर्टेंट है तोमर वंश का संस्थापक कौन था राजा अनंगपाल और यही दिल्ली का भी संस्थापक था जिसने दिल्ली का के नाम से इसकी स्थापना की थी किस शासक को राय पिथोरा कहा गया है राय पिथोरा हो या पृथ्वीराज चौहान हो या पृथ्वीराज तृतीय हो ये सब पृथ्वीराज चौहान के ही नाम है कायस्थों की एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है देखो भाई कायस्थ को एक जाति अब एक समझ लीजिए बात क्या है कायस्थ कौन है ये ये गुप्तों के काल में लिखाई पढ़ाई का कार्य करने वाले लोग थे बड़े बुद्धिजीवी लोग थे ये

एक हिंदू विधि पर दया भाग बताई थी जो ज्यूमित मोहन ने लिखी थी एक हिंदू विधि पर मिताक्षरा जो विज्ञानेश्वर ने लिखी है राजस्थान के इतिहास का पिणेता किसे माना जाता है राजस्थान का जो इतिहास है कर्नल टाड़ ने लिखा है खास तौर से राजपूतों का इतिहास कर्नल टाड़ ने लिखा है और बड़ी अच्छा इतिहास लिखा गया है क्योंकि हमारे सबके इतिहास अधिकतर अंग्रेजों ने लिखे हैं तो पर्टिकुलर राजस्थान का इतिहास कर्नल टाट आते हैं सैन वंश की स्थापना सामंत सैन और विजय सेन भी इसी वंश का था सावंत सेन की स्थापना मतलब सैन वंश की स्थापना सावंत सेन ने की थी नेक्स्ट क्वेश्चन है समरांगण सूत्रधार समरांगण सूत्रधार किताब का नाम है ये राजा भोज ने लिखी थी और इसका विषय क्या है स्थापत्य कला यानी कि स्थापत्य शास्त्र ये जो बिल्डिंग बनाई जाती है आजकल आर्किटेक्ट जो बनाते हैं इसमें उससे संबंधित चीजें दी गई है तराइन का पहला युद्ध ग्यारह सौ इक्यानवे में किसके बीच में हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में याद रख लो तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पहली वाली में मोहम्मद गोरी हार गया और दूसरी वाली में पृथ्वीराज हार गया हिंदू शाही राजवंश की राज्य की राजधानी कहा थी उद्भांडपुर याद ये एक तरीके से भारत का सीमांत प्रदेश है एक तरीके से ये वाला जो पोर्थन पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर वाला उसे हम उदांडपुर याद जगह पड़ती है हिंदू वंश वहीं ये अनंग पाल जयपाल ये इसी वंश के रहने वाले थे मल थे ऐहोल का लाड़खा मंदिर किस देवता का अब देखो भाई यहाँ लाड़खा नाम आ गया तो ये एक मुस्लिम नाम आ गया तो इसे लाड़खा क्यों कहा जाता है ये भी एक पीछे क्वेश्चन है अच्छा और ये एहोल कौ, कौन से राज्य में है तो एहोल जो कर्नाटक में है और ये जो सूर्य देवता को ये मंदिर प्रसिद्ध है यह लाड़ खां बीजापुर सल्तनत का एक सेनापति है जो इस मंदिर में कभी आया होगा तो उसका नाम लिखा हुआ तो इस मंदिर को लाड़ खां के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया का युद्ध किस किस के बीच हुआ का युद्ध गजनवी और आनंदपाल ये वही है अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी जिसकी जो उद्भानपुर जिसकी राजधानी थी जो सीमांत प्रदेश था गौरी किस वंश का शासक था गौरी वंश का शासक था गौरी ने ग्यारह में भारत पर आक्रमण किया देखो भाई पहला अटैक गौरी का ग्यारह था मुल्तान पे और गौरी पहली बार भारत में 1178 में हारा था दूसरी बार 1191 में हारा था यह चालुक्य राजा ने हराया था यहां या, या पृथ्वीराज चौहान ने हराया था और बाकी यह युद्ध जीतता रहा और भारत में एक तरीके से जो मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक है वो गौरी कहलाएगा हालांकि सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक कहलाएगा महमूद गजनवी का राजदरबारी कवि कौन था फिरदोसी ये अब फिरदौसी की सुन लीजिए ये फिरदौसी राजदरबारी कभी था इसने किताब लिखी थी किताब का नाम बताएंगे क्या था फिरदौसी की जो किताब थी शाहनामा अब देखो बहुत अच्छी ही अच्छी किताब है शाहनामा एक कहानी है शाहनामा जब किताब लिखी गई थी तो इसने फरमान जारी किया था कि शाहनामा मतलब किताब के ऊपर जो किताब लिखी जाएगी तो बहुत सारी असरफी देगा वो और फिरदोसी ने किताब बड़े मन से लिखी और फिर फिरदोसी को पैसे नहीं मिले तो वहां पर खबर फैल गई कि जो राजा है वो फिरदोसी का कर्जदार है तो एक बार फिर फिरदोसी के पास बहुत सारी असरफियाँ तांगे बुग्घी पर भरवा के भिजवाई गई लेकिन उस समय फिरदोसी मर चुका था और फिरदोसी की जो बेटी थी उसने वो पूरी असरफियाँ वापस भेज दी और कहा गया कि राजा हमेशा कर्जदार ही रहेगा बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है बड़ी थोड़ा सा इमोशनल वे भी है इसमें शाहनामा के आके रचीता हुआ फिरदोसी यही क्वेश्चन आ गया महमूद गजनवी के आक्रमण के आक्रमण के फसल कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना ये फारसी ये लाहौर है क्योंकि अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में आजकल लाहौर तो, आज तो अफगानिस्तान से जो उधर से लोग आए तो लाहौर बीच में पड़ता है और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी भी यही था सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था और सिंध पर अटैक करने वाला राजा दाहिर को मारने वाला पहली बार जजिया लगाने वाला वो दाहिर इतारी सत्रह साल का यहां आया था बाद में हज्जाज के आदेश से मरवा दिया गया था तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज राज पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था तो गौरी ने पराजित किया था नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने किस युद्ध में हराया था तो तराइन सेकंड में इस युद्ध के बाद दिल्ली के रास्ते खुल गए थे क्योंकि दिल्ली और अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान था उसकी हार की वजह से गौरी पूरी तरह से भारत पर घुस गया किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र को खोल दिया तो सेम क्वेश्चन है तराइन की दूसरी लड़ाई में इसको खोल दिया गया क्या बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसके बाद पूर्व मध्यकाल जो साउथ इंडिया का उसको लेंगे हम और आप इसे पढ़िए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे थैंक यू वेरी मच